हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग बीकॉम पास, बीकॉम ऑनर्स, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का पार्ट 5 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। एक और अच्छे न्यूमेरिकल के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के आपके साथ आए हैं और कोशिश करेंगे कि आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का कंसेप्ट इसके बाद अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं उनकी जरूर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप 4-5 क्वेश्चन में ही अच्छे से कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, बट आप वो आराम से 10 ईयर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, इतना जरूर हम आपको कह सकते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन है हमारे पास, एक और क्वेश्चन है हमारे पास इस बार। तो हमारे पास क्वेश्चन है, आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, इसमें आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस का, राइट। तो ये आपको दे रखा है, शेयर कैपिटल है आपके पास 3,51,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 25,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। इस प्रोविजन का मतलब ये होता है डियर कि आपके पास जो मशीन पड़ी होगी वो ऑन कॉस्ट पड़ी होगी, उसका जो डेप्रिसिएशन है अब तक 63,000 लग चुका है। कैश रिसीव्ड आपको 12,80,000 रुपए हो चुका है। क्रेडिटर्स हैं आपके पास, लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट पर है, मशीन कॉस्ट पर है, ठीक है। बैंक अकाउंट है हमारे पास 45,000। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 7 जो कि चल रहा है अभी, उस पर जो मटेरियल खर्च हुआ है वो 6 लाख, लेबर खर्च हुई है 8,30,000, एक्सपेंस खर्च हुआ है 40,000, और मटेरियल जो साइट पे, मशीनरी जो साइट पे भेजी गई वो 1,60,000 की, यानी आपके पास स्टोर में 52 की पड़ी हुई है और 1,60,000 की आपने साइट पे भेज दी। तो कुल मिलाकर आपके पास जो है वो आपके पास मशीन है जिस पर आपका 63 का अब तक डेप्रिसिएशन लग चुका है। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 7 कमेंस ऑन 1 जनवरी 2011। ओके, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 24 लाख एंड द कॉन्ट्रैक्टी वाज सो फार पेड 12,80,000 विच इज बीइंग 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। जब उसने ये बात बोल दी ना, सबसे पहले वर्क सर्टिफाइड जरूर निकाल लेना हमने। द कॉस्ट ऑफ वर्क डन सिंस सर्टिफिकेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹16,000। मतलब अभी तक जब तक आपने सर्टिफिकेशन दिया है तब तक आपके पास वर्क डन का जो खर्चा है आपका 16,000, ये जो लाइन है डियर, ये आपके पास अनसर्टिफाइड की तरफ क्लू करती है, राइट। ऑन 31 दिसंबर 2011 आफ्टर द अबव ट्रायल बैलेंस वॉज एक्सट्रैक्टेड, मशीन कॉस्टिंग ₹42,000 वॉज रिटर्न टू द स्टोर एंड मटीरियल देन ऑन साइट वॉज वैल्यूड एट 27,000। तो क्लोजिंग मटीरियल दे रखा है, प्रोविजन आपने बनाना है मशीन पर 12.5% ऑफ कॉस्ट। You are required to prepare the contract account and balance sheet as on company 31 December 2011. चलिए ठीक है, सबसे पहले आप देखिए हमारे पास जो खर्चे हैं कॉन्ट्रैक्ट के, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, ये तीन तो हम फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डाल देते हैं, राइट। ये हमें क्लियरली दिख रहे हैं कि क्या खर्चे हैं हमारे पास। तो मटेरियल आ गया आपके पास 6 लाख रुपीज का, डायरेक्ट लेबर है हमारे पास 8,30,000 रुपीज की, एक्सपेंसेस है हमारे पास 40,000 रुपए के, और जो प्लांट है डियर उस पर हम लगाएंगे, जो मशीनरी है इस पर हम लगाते हैं डेप्रिसिएशन, और कुछ नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो जैसा कि आपको बताया था कि आपके पास 1,60,000 रुपए की जो मशीन है वो भेजी गई है आपके पास साइट पर, ठीक है, और उसमें से 42,000 की जो मशीन है वो साल के एंड में स्टोर में वापस करी गई। अब इसका क्या फायदा है आपको, इसका कोई फायदा नहीं है, बस इसको समझना ध्यान से, क्योंकि 1,60,000 में से 42,000 की मशीन साल के एंड में भेजी गई तो ये 1,60,000 के अंदर इंक्लूडेड है और पूरा साल इस्तेमाल हुई है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो 1,60,000 पर ही आपको डेप्रिसिएशन लगाना है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इज इट ओके। अगर ऐसा कहता कि ये 42,000 रुपए की मशीन साल के बीच में ही स्टोर में वापस कर दी गई तो फिर आप क्या करते, 1,60,000 में से 42 अलग कर लेते और बाकी का अलग कर लेते, तो जो बाकी की मशीन है उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाते, और जो ये 42 है ये कॉन्ट्रैक्ट में कब तक रही, 1 जनवरी से तब तक का डेप्रिसिएशन लगाया जाता, इज इट ओके। तो ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए अक्टूबर को वापस कर दी जाती स्टोर में तो इस पर 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगता और बाकी पर पूरे साल का, लेकिन यहां पर ये जो मशीन वापस करी गई 1,60,000 में से, ये साल के एंड में वापस करी गई, तो 1,60,000 की पूरी मशीन जो थी वो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में पड़ी थी ना, तो आपको 1,60,000 पर पूरा डेप्रिसिएशन लगाना है जो कि बनेगा आपके पास 1,60,000, और यहां पर आपके पास कहा गया है कि 12.5% कॉस्ट पे लगाना है, और यही आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है डियर, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से मेंटेन हो रखा है यहां पर, इट्स 12.5%। तो ये डेप्रिसिएशन आपके पास आ गया 20,000 रुपए, तो ये 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन हम यहां शो कर देंगे, इज इट ओके, क्लियर है मेरी बात, ठीक है। डेप्रिसिएशन भी हमने शो कर दिया, फिर उसके बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस गिवन था और हमें गिवन था वर्क सर्टिफाइड, मतलब हमें गिवन था कैश जो रिसीव्ड है, दैट इज बेसिकली
80% of work certified and cash received is 12,80,000. That is 80% of work certified. तो यहां से हम क्या करेंगे, 12,80,000 को 100 से मल्टीप्लाई और 80 से डिवाइड, तो ये हमारे पास वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा डियर 16,00,000 रुपए. इज इट ओके? 16,00,000 रुपए का हमारा वर्क सर्टिफाइड आ गया, जिसे अब हम लिख देते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में. यहां पर आ जाता है आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें वर्क सर्टिफाइड है हमारे पास 16,00,000, और जो एक लाइन लिखी थी कॉस्ट सिंस सर्टिफिकेशन, आप उस पर 16,000 रुपए खर्च कर चुके हैं, वो हो गया डियर आपके पास अनसर्टिफिकेशन यानी नॉट सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड का खर्चा. तो ये हमारे पास हो गया 16,16,000, राइट. अब आपके पास ये भी लिखा था कि जो मटेरियल है वो आपका साइट पर रह गया था 27,000 का, तो वो क्लोजिंग मटेरियल है, मटेरियल बच गया आपके पास, तो वो हम यहां शो कर देते हैं. क्यों? देखिए आपने यहां 6,00,000 का मटेरियल लिखा है, इसका मतलब है 6,00,000 रुपए खर्च हो गए, पर ऐसा नहीं है ना. इसमें से 27,000 रुपए का मटेरियल आपके पास बच गया ना, खर्च नहीं हुआ ना, तो यहां माइनस करने की बजाय उसे यहां लिख रहे हैं, ताकि अल्टीमेट इफेक्ट ये जाए कि पूरा मटेरियल इस्तेमाल नहीं हुआ, 6,00,000 में से 27,000 रुपए का मटेरियल आपके पास बच गया, और ये बैलेंस शीट में भी चला जाएगा आपके पास 27,000 रुपए. इज इट ओके? अब आप फटाफट से इसका क्या निकाल लीजिए, नोशनल प्रॉफिट, जिसका हम बाइफर्केशन बना लेंगे, राइट. और कोई खर्चा है नहीं यहां पर, ये हमारे पास आ गया 16,43,000 माइनस 6,00,000 माइनus 8,30,000 माइनस 60,000, हमारे पास आ गया नोशनल प्रॉफिट 1,53,000. अब ये 1,53,000 के आपको पता है कि हमें ब्रेकअप चाहिए, कितना आपके पास P&L में जाएगा और कितना हमारे पास रिजर्व में जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बहुत आसान है, इसका बैलेंस शीट समझिएगा इसकी. तो इसके लिए आपको पहले एक परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, और वो परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग, वर्क सर्टिफाइड दैट इज 16,00,000 अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दैट इज 24,00,000 इंटू 100, राइट. तो 16 × 100 डिवाइडेड बाय 24, कॉमन जीरो हमने काट दी, आ गया 66.67%. तो क्योंकि ये 50% से ज्यादा आ रहा है, तो नोशनल प्रॉफिट हमारे पास है 1,53,000, उसका 2/3 इंटू में कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड इज गिवन 12,80,000 अपॉन वर्क सर्टिफाइड इज 16,00,000. ओके, 1,53,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 इंटू 1280 डिवाइड बाय 1600, That is 81,600 आपका चला जाएगा P&L में, 81,600, और बाकी चला गया डियर आपके पास रिजर्व के अंदर, माइनस 1,53,000, ये हो गया आपके पास 71,400. देखिए कितनी आसानी से फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया. अब हमें बनानी है फटाफट से बैलेंस शीट, विच इज वेरी वेरी इजी. यहीं से इसे कंटिन्यू कर देते हैं हमारे पास बैलेंस शीट, एज एट जरूर लिखेंगे आप लोग, मेरी थोड़ी राइटिंग ऐसे ही है. लाइबिलिटी रुपीज, एसेट्स रुपीज. तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके पास शेयर कैपिटल गिवन थी, तो आप वो लिख दीजिए सबसे पहले. शेयर कैपिटल आपको गिवन है 3,51,800. फिर हम यहां पर ये वाला P&L लिखते हैं, जो हमारा ये प्रॉफिट होता है 81,600. फिर हमें यहां पर कुछ ऐसे खर्चे माइनस करने होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एब्जॉर्ब हुए, लेकिन हमारे एसेट्स पर तो खर्चे होने ही है ना, तो इस प्रॉफिट में से हम उसे माइनस करते हैं. तो सबसे पहले मैं एसेट उठा लेती हूं, लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है, तो उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगना, लैंड एंड बिल्डिंग एज इट इज पिक कर लेते हैं हम लोग, दैट इज 74,000. उसके बाद मशीन आती है डियर आपके पास, तो मशीन 1,60,000 की तो आपने साइट पे भेज रखी थी, 52,000 की आपके पास स्टोर में पड़ी हुई थी, राइट. तो आपके पास टोटल मिलाकर 2,12,000 की ये मशीन हो गई. अब आपने डेप्रिसिएशन लगाना है, तो आप 2,12,000 पे लगाओगे. ध्यान से सुनिएगा, यहां पर 52,000 पे डेप्रिसिएशन नहीं लगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं गई हुई थी मशीन, लेकिन ये तो मेरी बैलेंस शीट है ना, मेरे पास तो 52,000 वाली मशीन पड़ी हुई थी ना स्टोर के अंदर, डेप्रिसिएशन तो वहां लगेगा ही लगेगा. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि 2,12,000 का आपके पास जो डेप्रिसिएशन लगाना है हमें, दैट इज 12.5%, तो ये बनता है 26,500. इज इट ओके?
अब आप एक बात देखिए कि आप अकाउंट में 20,000 ऑलरेडी अब्सॉर्ब करा चुके हैं, लेकिन जो 6,500 है वो अभी भी आपने पीएनएल में से माइनस नहीं करा हुआ, तो आप वो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो और है आपके पास, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, वो आप यहां से और माइनस करेंगे, क्योंकि है तो आप ही का खर्चा ना, तो अपने प्रॉफिट को आपको उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इज इट ओके? साथ ही साथ आप एक काम और कर सकते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, दैट इज 63,000, उसमें ये 26,500 और जोड़ दीजिए इस साल का टोटल डेप्रिसिएशन। इज इट ओके? तो हो जाएगा 89,500 रुपीज। तो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गई, फटाफट से क्लोजिंग मटेरियल भी डाल देते हैं। यहां पे आपको डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना क्योंकि हम इसे क्रेडिट साइड पे शो कर रहे हैं। मटेरियल इन हैंड कितना है आपके पास? 27,000 रुपए। इज इट ओके? उसके बाद आपके पास यहां पर बिजनेस में बैंक भी दे रखा है, तो बैंक लिख दीजिए, 6,00,000 रुपए का हमारे पास बैंक है। और कोई चीज यहां पर नहीं है, कैश रिसीट, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स डाल दीजिए लाइबिलिटी साइड पर, क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 81,200, राइट? और शेयर कैपिटल हमने डाल दी, पीएनएल। अब हम फटाफट से बाकी की चीजें पोस्ट करके आपको फटाफट समझा देते हैं। आपके पास क्रेडिटर हमने ट्रांसफर कर दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अब आप इसका बैलेंस कर लीजिए। ये आपके पास 25,000 का पहले का प्रॉफिट पड़ा है, इसको हमने ऐड कर लिया, 6,500 से माइनस कर दिया। हम लैंड एंड बिल्डिंग डाल चुके हैं, मशीनरी 2,12,000 रुपए की, इसे बाहर डालिएगा। अब इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना क्योंकि आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहां लिखा है। मटेरियल इन हैंड डाल चुके हैं, बैंक डाल चुके हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है, वर्क इन प्रोग्रेस। यहां पर क्या है? वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, उसको ऐड करना है। माइनस रिजर्व दिस वन, माइनस कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, वो आपने माइनस करके ये अमाउंट निकालना है। कभी कभी क्या होता है, आपके एग्जाम में बैलेंस शीट पूरी बनाने को नहीं कहा जाता, ऐसे में आपको ट्रायल बैलेंस वगैरह नहीं गिवन होगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना होता है, एक ये वाला पोर्शन सॉल्व करना होता है और एक ये वाला कंपलसरी, और वहां पर आपको बैलेंस शीट मैच करके नहीं देखनी, वहां सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनाना है, यानी सिर्फ छोटा सा पोर्शन बनाना है आपको, ये पोर्शन और ये पोर्शन, क्योंकि बाकी चीजें आपको गिवन नहीं है। थोड़ा बहुत जैसे मटेरियल इन हैंड वगैरह गिवन है तो वो आप डाल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर 11 सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विवेक क्लास।